सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम गॉस सीडल इटरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमने जैकोबी इटरेशन मेथड पढ़ लिया है। सो जैकोबी इटरेशन मेथड क्या होता है वो हम वहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं। अब हम आज यहाँ पे गॉस सीडल मेथड पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें गॉस सीडल मेथड की तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस सीडल इटरेशन मेथड। 2x1 - x2 + 0x3 = 7 - x1 + 2x2 - x3 = 1 0x1 - x2 + 2x3 = 1। सो सेम अगर हम बात करें गॉस जैकोबी मेथड की या फिर बात करें हम गॉस सीडल मेथड की तो लगभग सेम है, बस आगे चल के हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि क्या ये जो सीडल मेथड है वो यहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। सो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन में जो भी यहाँ पे आपको कोफिशियंट बड़ा लगे, सपोज यहाँ पे देख सकते हो ये 2 है तो यहाँ पे 2 का मोड लेंगे और वो बड़ा होना चाहिए बाकी बचे हुए दोनों कोफिशियंट के मोड के योग के, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास ये होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2 > -1 + -1, ये बड़ा नहीं है बराबर है, तो यहाँ पे या तो आप ग्रेटर देन ले सकते हो या फिर इक्वल ले सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास 2 > -1, राइट। सो अगर ये हमारे पास आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है वहाँ पे हम गॉस सीडल इटरेशन मेथड वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अब आप देख सकते हो कि जो भी बड़ा है उसका वैल्यू हम यहाँ पे अगर निकालें तो यहाँ से हमारे पास x1 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 एंड 7 + x2, राइट। उसके बाद अगर हम x2 की बात करें इस वाली इक्वेशन से तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 1 + x1 + x3, और x3 की बात करें हम तो यहाँ पे x3 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/2 1 + x2। सो अगर हम यहाँ पे सपोज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अगर हम यहाँ पे माने कुछ x1 ≠ 0 and x2 ≠ 0 and x3 ≠ 0। सो अप्रोक्सीमेशन अगर हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं, बट ये हम जैकोबी मेथड में कर रहे थे कि फर्स्ट इटरेशन में हम सबका वैल्यू 0 रखते थे, x1 का भी वैल्यू, x2 का भी वैल्यू और x3 का भी वैल्यू। लेकिन जब हम गॉस सीडल मेथड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब भी हम गॉस सीडल मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करना होता है, राइट। सो अपडेटेड वैल्यू कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन निकालते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते चलते हैं वहाँ से आपको, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन निकालते हैं, राइट, अगर हम बात करें फर्स्ट इटरेशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे मतलब हम x11 तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो 1/2 7 + x2। सो 1/2 7 + x2 के जगह पे 0 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2 = 3.5। देन अगर हम x21 का वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, ये आप देख सकते हो x1 + x3 है। सो x1 का वैल्यू अब हम यहाँ पे 0 ना रख के ये वाला वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास x1 का वैल्यू आया है, मतलब हम यहाँ पे 1 + 3.5 रखेंगे, राइट। और उसके बाद फिर x3 का वैल्यू हम 0 रखेंगे क्योंकि x3 का वैल्यू अभी हमारे पास नहीं आया। सो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये हमारे पास होता है 2.25। देन अगर हम x3 का वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 1 + x2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/2 1 + x2 का वैल्यू अब हम कौन सा रखेंगे तो पीछे वाला ना रखते हुए ये अपडेटेड वैल्यू रखेंगे 2.25। सो ये हमारे पास x3 का वैल्यू हो जाएगा 1.625, राइट। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे चेंज करने का अगर हम जैकोबी मेथड की बात करें या फिर गॉस सीडल मेथड की बात करें तो सीडल मेथड में ये यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कि हम अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकेंड इटरेशन की तो सेकेंड इटरेशन में आप देख सकते हो ये हमारे पास हो जाता है सेकेंड इटरेशन, अगर हम यहाँ पे x12 का वैल्यू निकालें तो 1/2 एंड ये हमारे पास हो जाता है 7 + x2। तो x2 का वैल्यू अब हम इस वाले अपडेटेड वैल्यू को रखेंगे 2.25, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें x22 की तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 1 + x1 + x3। तो x1 का वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5 और x1 का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम बात करें x1 के वैल्यू का तो ये हमारे पास x1 का वैल्यू हो जाता है 4.625। अब यहाँ पे x1 के जगह पे हम 4.625 वैल्यू रखेंगे और x3 के जगह पे हम लास्ट वैल्यू रखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास x3 का वैल्यू नहीं आया है।
तो ये आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास अपडेट होते जाता है हम अपडेटेड वैल्यू को ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.625, राइट। तो जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3.625, तो यहाँ पे फिर हम x3 का वैल्यू निकाल लेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 1 प्लस x2 का वैल्यू मतलब 3.625 और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.3125, राइट। सो इस तरीके से हमें आगे करते जाना है, अपडेटेड वैल्यू रखते जाना है। उसी तरीके से अगर हम थर्ड इटरेशन की बात करें, राइट, अगर हम थर्ड इटरेशन यहाँ पे देखें, थर्ड इटरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड इटरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा। सो थर्ड इटरेशन में हमारे पास x13 इज इक्वल टू 1/2 7 प्लस ये वैल्यू हो जाएगा x2 का। तो x2 का अपडेटेड वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.625। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5.3125, राइट। हमारे पास क्या हो जाएगा 5.3125। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद अगर हम x2 का वैल्यू निकालें, सो x23 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2 1 प्लस ये वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x1 का वैल्यू मतलब 5.3125 हो जाएगा और लास्ट वैल्यू x3 का 2.3125। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4.3125 और x3 अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 1 प्लस x2 का अपडेटेड वैल्यू है 4.3125। सो अपडेटेड वैल्यू बस आपको रखते जाना है और ये सॉल्व करते जाना है, ये हमारे पास हो जाएगा 2.65625। देन उसी तरीके से फोर्थ इटरेशन हम आगे करते जाएंगे, तो फोर्थ इटरेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा। सो फोर्थ इटरेशन अब मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ क्योंकि आपको पता चल गया है कि कैसे हमें वैल्यू निकालना है। सो फोर्थ इटरेशन में अगर हम वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 5.65625। आप इसे लिख लेना और ये आंसर आपको मिल जाएगा 2.828125, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ इटरेशन की, कॉन्सेप्ट आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है हमें, बस हमें अपडेटेड वैल्यू को पुट करते जाना है। अगर हम अपडेटेड वैल्यू को पुट करते जाएंगे सो हमारे पास आंसर आते जाएगा और इटरेशन हमें मिलते जाएगा। सो फिफ्थ इटरेशन का वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारे पास हो जाएगा x15 का वैल्यू हमारे पास है 5.8281 एंड x25 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4.8281 एंड x35 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.9106। उसी तरीके से अगर हम सिक्स इटरेशन की बात करें, 6-7 जाते तक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x16 इज इक्वल टू 5.9140, x26 इज इक्वल टू 4.9140 एंड x36 इज इक्वल टू 2.9570। बुक में आपको 11th इटरेशन तक गया है बट हम 6-7 तक ही करके छोड़ देंगे और यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा अच्छे से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम 7th इटरेशन की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5.9570, ये है 1, ठीक है। उसके बाद x27 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.9570 और x37 का वैल्यू हो जाएगा 2.9785, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें x1 का तो ये हमारे पास 5.9570 है जो कि अप्रोक्सीमेट है 6 के। अगर हम x2 की बात करें तो ये हमारे पास 4.9570 है जो कि अप्रोक्सीमेट है 5 का और x3 इज इक्वल टू 2.9785 है जो कि अप्रोक्सीमेट है 3 का। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम x1 की बात करें रूट निकाले तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, x2 का वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगा और x3 का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से गॉस सीडल मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करके आंसर लाएंगे। बेसिकली बहुत ही ईजी है, बस आपको यहाँ पे देखो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल मेथड की तो न्यूमेरिकल मेथड यहाँ पे आपको डिफिकल्ट नहीं पड़ता है बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए और आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेटर अच्छे से और फास्ट चला लेते हो तो न्यूमेरिकल मेथड बहुत ही ईजी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर चलाने नहीं आता है, स्पीड नहीं है तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाला, राइट। सो आप कैलकुलेटर चलाने अच्छे से सीखो और वहाँ से अच्छे उसका स्पीड भी बनना चाहिए। सो
बेसिकली अगर न्यूमेरिकल मेथड की बात करें तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, और डाउट बहुत आता है कि हम गॉस सीडल में क्या करें, गॉस जैकोबी मेथड में क्या करें। तो इस तरीके से आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे, उतना आपको याद होगा और उस तरीके से फिर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें, आज हमारा गॉस सीडल मेथड कंप्लीट हो गया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा। सो यदि कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट करके बताना, हम अगले वीडियो में उसको देख लेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।